हाय, आज हम लोग जिस एक्टिविटी को लेकर आए हैं वो क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्रॉब्लम जो आते हैं जो तो उसको सॉल्व कैसे किए जाते हैं, तो आइए देखते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या क्या है। हमने पहले से क्वेश्चन भी लिख कर रखा हुआ है और उसको सॉल्व भी किया हुआ है क्योंकि समझाने में थोड़ा ईजी रहे। अब देख लीजिए क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हम लोग को कैलकुलेट करना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इसमें क्या है, ईयर दिया है 31 मार्च 2013, यानी ये प्रीवियस ईयर, एंड करंट ईयर 31 मार्च 2014। पहला आइटम क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीवियस ईयर 8,50,000 एंड करंट ईयर 10,00,000। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, प्रीवियस ईयर 40,000 एंड करंट ईयर 1,00,000। लैंड एट कॉस्ट, प्रीवियस ईयर 2,00,000 एंड करंट ईयर 1,00,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दिए हुए इनके, एडिशनल इंफॉर्मेशन में इनके क्या क्या है। पहला क्या है, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वाज रुपीज 50,000, यानी प्लांट एंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है होल ईयर की वो कितने की है, 50,000 की। ठीक, सेकंड में क्या दे रहा है, प्लांट एंड मशीनरी विद ए बुक वैल्यू ऑफ रुपीज 60,000, ये जो 60,000 की बुक वैल्यू थी वाज सोल्ड एट रुपीज 40,000। सोल्ड कितने में हो रहा है, 40,000 में, यानी कंपनी को क्या हो रही है, यहां पे लॉस हो रही है। और थर्ड एडजस्टमेंट दिया हुआ है, लैंड वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 60,000, यानी लैंड को जो सोल्ड किया जा रहा है वो कितने के गेन में सोल्ड हो रही है, 60,000 में। ये तो थे क्वेश्चन में था। अब इसके लिए हम लोग को निकालना है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, तो इसके लिए अलग अलग अकाउंट बनाने होंगे। पहला अकाउंट क्या बनेगा हमारा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखिए, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट पहला अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में वही अकाउंट का जो फॉर्मेट है, लेजर फॉर्मेट, पर्टिकुलर रुपीज, ये है डेबिट साइड एंड ये है आपका क्रेडिट साइड। कोई भी एसेट्स की एक्सपेंडिचर, कोई भी एसेट्स की ओपनिंग बैलेंस हमेशा कहां पे आती है, डेबिट में। ओपनिंग बैलेंस एसेट्स की कहां पर रहेगी, डेबिट में। तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्या है, अब देखिए इसके ओपनिंग बैलेंस कौन सी थी, जो प्रीवियस ईयर का है, कितने का है, 8,50,000। तो यहां पे क्या लिखा गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,50,000। ठीक, अब देखिए क्लोजिंग बैलेंस क्या कहां पे आएगी, क्रेडिट में। अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट में है तो क्लोजिंग बैलेंस कहां पे आएगी, क्रेडिट में। क्लोजिंग बैलेंस क्या है, बाय बैलेंस क्रेडिट ऑन कितने का था, यहां पर 10,00,000। यहां पर भी लिखा हुआ है कितने से, 10,00,000 रुपीज से। अब क्वेश्चन में दिया हुआ फर्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, डेफिशिएंट चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी रुपीस कितना बता रहा है, यहां पे 50,000 का प्लांट एंड मशीनरी पे है। तो यहां पे क्या लिखा, तो जो जनरल एंट्री होती है वो क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में कहां पे आएगी, वो क्रेडिट में। लिखा क्या, बाय डेप्रिसिएशन रुपीस 50,000। अब कंपनी क्या कर रही है, थर्ड जो सेकंड एडजस्टमेंट में क्या है, प्लांट मशीनरी विद बुक वैल्यू ऑफ 60,000 वाज सोल्ड रुपीज 40,000। अब जो 40,000 सोल्ड कर, जब परचेस कर रही है तो डेबिट में, और सेल कर रही है तो क्रेडिट में। क्रेडिट में कैसे आएगा, क्योंकि जब सेल करे तो कंपनी के पास क्या आ रहा है, इनफ्लो आ रही है, यानी इनफ्लो आया तो क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट किसके सेल करने पर हो रही है, प्लांट एंड मशीनरी में। तो यह जनरेट क्या हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी, इसलिए बाय बैंक कितने से, जितने का उसने सेल किया, 40,000। अब कंपनी को लॉस हो रही है कि प्रॉफिट हो रही है, अब कंपनी ने 60,000 की चीज को 40,000 में सोल्ड किया, अपने जो सी बात है, यहां पर लॉस हो रही है, यहां पर हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने का हो गया, 20,000। और कुछ सुने दिया प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, तो अब उसके लिए हम लोग को क्या निकालना होगा, प्लांट एंड मशीनरी से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो उन्होंने इधर के क्रेडिट साइड का ऐड किया, यानी 50,000 प्लस 40,000 90,000, 90 प्लस 20 1,10,000 एंड 10,00,000, टोटल कितना हो गया, 11,10,000, उसमें से 8,50,000 माइनस किया तो टू बैंक, ये क्या आ गया हमारा परचेस, ये क्या आ गया हमारी परचेस आ गई कितने की, 2,60,000 की ये परचेस आ गया। एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट लाया। अब दूसरा एडजस्टमेंट अगर नेक्स्ट क्या है, यहां पर जो थर्ड एडजस्टमेंट है लैंड का है, तो उन्होंने लैंड अकाउंट बनाया, सेम वही प्रोसेस। लैंड अकाउंट के लिए लैंड के ओपनिंग बैलेंस कितना दिया है, 2,00,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया, 1,00,000। तो इसका भी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,00,000 एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन कितने से, 1,00,000 से। अब कंपनी कह रही है कि इसको सोल्ड जो की हुई है प्रॉफिट पे, तो प्रॉफिट कितना हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने का बता दिया, 60,000 का। जब 60,000 की गेन हुई तो सोल्ड कितने में किया,
इधर का अगर बैलेंसिंग निकाल सकते हैं तो निकालिए, अगर अदरवाइज नहीं तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि 2 लाख का था और बैलेंसिंग है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना 1 लाख, और प्रॉफिट और जो 1 लाख की मशीन को सोल्ड किया है तो उसमें प्रॉफिट कितने का हो जा रहा है 60,000, यानी सेलिंग प्राइस कितने हो गए 1,60,000। एक तीस हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा क्या है, नॉर्मल केवल इसे ऐड किया, जो भी डिफरेंस अमाउंट आया वो क्या हो गया, हमारी सेल हो गई, सेल ऑफ प्लांट है मशीनरी कितने का आ गया 1,60,000। और इसके अलावा कोई फोर्थ एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है। अब इसके लिए हम लोग अब क्या बनाते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सबसे पहले जो प्लस में आ रहे हैं, जो भी प्लस में यानी जो इतने भी इनफ्लो हो रहे हैं पहले उसको लिखा जाता है, लिखने पे इजी रहती है, और उसके बाद फिर आउटफ्लो को मिक्स करके लिखने पे कैलकुलेशन में भी मिस्टेक आ सकती है। इसलिए पहले उन्होंने क्या किया, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, पहला सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितने की सेल की थी 40,000 का, ये अमाउंट कहां से आया था, इस अमाउंट को उन्होंने लिखा, जो पहला सेल ऑफ प्लांट और मशीनरी आई थी 40,000। सेकंड क्या लिखा, सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ लैंड कौन सा था जो 1,60,000 का था, 1,60,000 की कौन सी थी, जो हम लोग ने यहां पे ये देखा ना 1,60,000, ये से यानी इससे दोनों से कंपनी के लिए क्या हुआ, इनफ्लो हुई, कंपनी के पास पैसा आया इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, सेल करने पे। अब ये तो पैसे आए थे, अब कंपनी ने आउटफ्लो क्या क्या हुई, यानी कंपनी के लिए जो पैसा उसने परचेस किया होगा कोई एसेट्स में, तो कंपनी के लिए क्या हुआ होगा, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो हुआ होगा। तो आउटफ्लो में क्या क्या आया, अब देखिए यहां पे आया टू बैंक का क्या आया था, परचेज ऑफ प्लांट आया था, तो यहां पे ये लिखा परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,60,000 इस अमाउंट से। अब 2,60,000 को ब्रैकेट में क्यों लिखे, क्योंकि प्लस में आ रहा है तो इसे तो पॉजिटिव में, और अगर माइनस में आ रहा है तो उसको किससे शो करते हैं, ब्रैकेट से। अब क्या हो रही है, अब इसके अलावा अब देखिए लैंड और बिल्डिंग में तो कुछ और परचेज नहीं हुआ था, केवल लिखे सेल हुई थी, लेकिन एक और चीज है जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट अगर आप देखेंगे तब भी कंडीशन में प्रीवियस ईयर में था 40,000 और इस ईयर में करंट ईयर में कितना हो गया 1 लाख, यानी पहले हमारे पास 40,000 की थी अब हो गई 1 लाख की, इसका उन्होंने क्या किया परचेस किया, यानी हमारे पास से क्या हुआ आउटफ्लो हुआ है, तो इसलिए क्या हो गया परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का आ गया 60,000, ठीक है। अब परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो डिफरेंस लिया किससे लिया हुआ, प्रीवियस ईयर करंट ईयर किसके, करंट इन्वेस्टमेंट से लिया हुआ है, तो ये क्या हो गया परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया कितने से 60,000। अब और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं दिया है, तो अब हम लोग एडजस्ट करते हैं, तो 40,000 प्लस 1,60,000 इज इक्वल टू 2 लाख, और यहां पे कितना है 2,60,000 प्लस 60,000 माइनस में है, यानी आउटफ्लो हुआ है कितने का हुआ 3,20,000, तो माइनस किया तो कितना आ गया 1,20,000, यानी यहां पे कंपनी को फ्लो तो नहीं हुआ लेकिन कंपनी ने पैसे का एक्स्ट्रा यूज किया हुआ, इसलिए यहां पे क्या आ गया कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितने का आ गया 1,20,000, कैश यूजिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कितनी का आ गई 1,20,000, ठीक। इस टाइप से तो ये क्वेश्चन का था, इसके लिए मेन जो वर्किंग नोट में आती है ये सब हमारे कहां पे आता है, जो अकाउंट बनाया प्लांट एंड मशीनरी का एंड बिल्डिंग का, ये हमारे कहां पे आएंगे वर्किंग नोट में, मेन क्वेश्चन में ये रहेगा, ओके। अब इसके बाद और भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए, ओके, थैंक यू।